ये मोती देख रहे हैं आप, कितने शुभ्र, श्रेय, ओजस्वी और अत्यंत सुंदर हैं। इन्हें ऐसा ही बनाए रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। इन्हें ऐसे ही मखवल के वस्त्र में लपेट कर रखते हैं, इन्हें पिटारे में बंद करके रखते हैं ताकि इन पर खरोंच ना आ जाए, ये मोती टूट ना जाए, क्योंकि ये मोती अनमोल है, मूल्यवान है। उसी प्रकार होता है दूध, ये दूध फट ना जाए इसलिए हम इसे गर्म करके रखते हैं और ग्रीष्म ऋतु में इसे शीतल जल में रखते हैं, क्योंकि ये दूध अनमोल है इसलिए हम इसे सहेज कर रखते हैं। दूध हमारे तन को और अधिक पुष्ट करता है और उसी तन को सुंदरता बढ़ाते हैं ये मोती। अब मोती और दूध की भांति ही होते हैं हमारे अपनों के मन, इन्हें भी हमें सहेज कर रखना चाहिए, इनकी रक्षा भी हमें ही करनी चाहिए। मीठे वचन, स्नेह, प्रेम और आदरपूर्ण व्यवहार से इन्हें हमें सहेज कर रखें, क्योंकि जैसे एक बार दूध फट जाए तो उसे पुनः ठीक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यदि एक बार मोती टूट जाए तो उसे पुनः जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक इसी प्रकार यदि हमारा मन में एक बार भेद हो जाए तो उसे पूर्व स्थिति में ले जाना अत्यंत कठिन होता है। मन के मतों में भेद हो सकता है किंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनों के मन को हमेशा सहेज कर रखें, ये अत्यंत अनमोल होते हैं। तो इसी प्रकार अपनों के मन को सहेज कर रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।